संतोष डरते हुए कहता है, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? ये क्या कर रही है? क्या हो रहा है? ऐसे कोई कुछ करो। पीयूष संतोष को दिलासा देते हुए कहता है, चाचा जी स्वाति को कुछ नहीं हुआ है, आप थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए, बस वो ठीक हो जाएगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अपनी बेटी को तड़पता हुआ देखकर आयशा रोने लग जाती है। पता नहीं आयशा के दिमाग में क्या आता है कि वो भागते हुए उस कमरे से बाहर चली जाती है। पीयूष मनी मन सोचने लग जाता है, ये चाची जी कहाँ जा रही है स्वाति को ऐसी हालत में छोड़कर? रुद्र और समीर अभी भी स्वाति का हाथ उसके गले से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो छुड़ा नहीं पा रहे थे। अर्जुन के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर आयशा आ जाती है। आयशा के हाथ में भभूत थी। आयशा वो भभूत स्वाति के माथे पर लगाते हुए कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही आयशा वो भभूत स्वाति के माथे पर लगाती है, स्वाति शांत हो जाती है और अपना गला छोड़ देती है। कुछ ही देर के बाद स्वाति धीरे से अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही स्वाति आंखें खोलती है, आयशा रोते हुए उससे पूछती है, तू ठीक है ना मेरी बच्ची, तू ये क्या कर रही थी? स्वाति आयशा की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ मां मैं ठीक हूँ। स्वाति अपनी बात को आगे जारी रखते हुए रोते हुए आयशा से कहती है, माँ मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा माँ। आयशा बौखलाहट के साथ स्वाति से पूछती है, कैसा सपना मेरी बच्ची, बता तूने सपने में क्या देखा, घबरा मत बेटा। स्वाति अपने सपने के बारे में आयशा को बताते हुए कहती है, माँ मैंने सपने में देखा कि कोई था जो मेरा गला दबा रहा था बहुत तेज। उस आदमी का चेहरा मैं नहीं देख पाई, पर लग रहा था जैसे वो मेरी जान ले लेगा। स्वाति की बात सुनकर रुद्र और तन्वी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तन्वी मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जिसे मैंने कल रात झाड़ियों के पीछे देखा था। स्वाति रोते हुए कहती है, माँ मेरा अभी भी गला दर्द दे रहा है, मेरे गले में ऐसा लग रहा है कि कोई अभी भी मेरा गला दबा रहा है। आयशा स्वाति के आंसू पोंछते हुए कहती है, तू फिक्र मत कर बेटा, मैं जानती हूँ तुझे क्या हुआ है, मैं अभी तेरा गला ठीक कर देती हूँ। आयशा तन्वी की तरफ देखते हुए कहती है, पता नहीं किस कलमुही की नजर लगी है तुझे, एक के बाद एक अनहोनी होती रहती है तेरे साथ। आयशा का ताना सुनकर तन्वी अपना सिर नीचे कर लेती है और उदास हो जाती है। आयशा उस कमरे से बाहर चली जाती है। आयशा को कमरे से बाहर जाता हुआ देखकर पीयूष धीरे से समीर से पूछता है, यार चाची अब कौन सी नई चीज करने वाली है? समीर धीरे से पीयूष के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं यार क्या करने वाली हैं, पर इतना जरूर पता है चाची फिर से आज कोई नया टोटका करने वाली हैं। कुछ देर बाद जब आयशा वहां पर वापस आती है तो आयशा के हाथ में पानी से भरा एक तांबे का लोटा था और दो लौंग थी। पीयूष धीरे से समीर से पूछता है, यार चाची अब इस लोटे और लौंग से क्या करने वाली है? समीर पीयूष के ऊपर चिढ़ते हुए कहता है, यार मुझे क्या पता चाची क्या करने वाली है, तुझे पूछना ही है तो अर्जुन से पूछना, उसे इन सब टोने टोटकों के बारे में ज्यादा पता है। पीयूष धीरे से अर्जुन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पीयूष अर्जुन से कुछ पूछता उससे पहले ही आयशा अपना टोटका करना शुरू कर देती है। आयशा वो पानी से भरा तांबे का लोटा स्वाति के बेड के नीचे रख देती है। आयशा के हाथ में दो साबुत फूल वाली लौंग थी। आयशा उसमें से एक लौंग को अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे के पास और दूसरे बीच की उंगली के पास रखती है और क्लॉकवाइज घुमाते हुए स्वाति की नजर उतारना शुरू कर देती है। आयशा स्वाति के सिर से लेकर पैर तक उतारा उतारती हुई कहती है, या मालिक तेरा ये आसरा भूल चूक क्षमा कर और मेरी बेटी की रक्षा कर। सभी लोग आयशा और स्वाति को हैरानी से देखने लग जाते हैं। किसी की भी समझ नहीं आ रहा था कि आयशा ये किस तरह से स्वाति की नजर उतार रही थी। आयशा 21 बार स्वाति का उतारा उतारती है और वही मंत्र पढ़ाती है। नजर उतारने के बाद आयशा दोनों लौंग को तांबे के लोटे के अंदर डाल देती है। जैसे ही आयशा उस लौंग को पानी के अंदर डालती है, एक सनसनाती हुई आवाज आती है। वो दोनों लौंग पानी में मचलने लगती हैं, जैसे वो कोई मछली हो, और देखते ही देखते वो दोनों लौंग पानी के नीचे जाकर शांत हो जाती हैं और दोनों लौंग पानी के तल पर बैठ जाती हैं। सभी लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये क्या था। आयशा उस पानी के लोटे को उठाती है और बाहर जाकर उसका पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा देती है। पीयूष धीरे से अर्जुन से पूछता है, यार ये चाची ने क्या किया, अभी अभी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू का खेल दिखा रही हूँ। अर्जुन पीयूष के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मोटे
ये कोई जादू का खेल नहीं था, बल्कि चाची ने अभी अभी पौराणिक प्रथा के अनुसार स्वाति की नजर उतारी है। गांव देहातों में लौंग से ही नजर उतारी जाती है जब बुरे सपने आते हैं। ऐसा करने से बुरे सपने नहीं आते। अर्जुन और पीयूष बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर आयशा वापस आ जाती है। आयशा को कमरे के अंदर आता हुआ देखकर अर्जुन और पीयूष चुप हो जाते हैं। आयशा की नजरें स्वाति के बालों पर जाती हैं और वो देखती है कि उसके बाल खुले हुए थे। आयशा स्वाति को डांटते हुए कहती है, बेटा कितनी बार बोला है तुझे कि बाल खुले करके मत सोया कर, उससे बुरे सपने आते हैं। और मैंने तुझे बोला था ना कि बिस्तर के नीचे चाकू रखा कर, वो रखा या नहीं तूने? स्वाति आयशा की बात का हिचकिचाते हुए जवाब देते हुए कहती है, वो माँ मैं भूल गई, वो कल रात मुझे देर हो गई थी ना नहाने में, तो मेरे बाल गीले ही थे इसलिए मैं खुले बाल करके सो गई थी, अगर बांध कर रखती तो मेरा सिर दर्द करने लग जाता। क्या कहा, भूल गई थी? स्वाति तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? और मैंने कितनी बार बोला तुझे कि रात में मत नहाया कर, पर तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? आखिर तूने रात में क्यों नहाया? माँ आप तो देख ही रही है ना कि घर में कितने काम रहते हैं तो देर हो ही जाती है ना, और रात में नहाने से तो अच्छे सपने ही आते हैं ना और नींद भी अच्छी आती है। आयशा हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, अच्छे सपने आते हैं? ये पाठ किसने पढ़ा दिया तुझे? देख रही है ना कैसे कैसे सपने आ रहे हैं तुझे, तेरे इन सपनों का इलाज तो मुझे ही करना पड़ेगा। आयशा स्वाति के कमरे में रखे टेबल से लोहे की कैंची उठाती है और उसे स्वाति के बिस्तर के नीचे रख देती है। स्वाति मैं कह देती हूँ तुझसे कि ये कैंची यहाँ से मत हटाना और आज के बाद कभी खुले बाल करके मत सोना, उससे अच्छे सपने नहीं आते, समझी? स्वाति हाँ मैं अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई, आइंदा कभी अपने बाल खोलकर नहीं सोऊंगी। हालात को नॉर्मल होते हुए देखकर संतोष कहता है, चलो भाई अब दिन भर यहीं पर थोड़ी खड़े रहना है, घर में बहुत सारे काम बचे हैं, कल स्वाति की शादी है, भूलो मत, सारी तैयारियां करना शुरू कर दो। रुद्र संतोष का साथ देते हुए कहता है, हाँ चाचा ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी काम है, चलो सब। सभी लोग एक एक करके उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अर्जुन और पीयूष कमरे से बाहर निकले ही थे कि तभी पीयूष कहता है, यार अर्जुन ये चाची ने स्वाति के बिस्तर के नीचे कैंची क्यों रखी यार? अर्जुन पीयूष के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, पीयूष बिस्तर के नीचे कैंचियां लोहे की चीज जैसे चाकू रखने से बुरे सपने नहीं आते। पीयूष हैरानी के साथ कहता है, अच्छा? हाँ पीयूष, और लोहे की चीज रखने से डरावने सपने नहीं आते हैं, और इसके ठीक उल्टा कहा जाता है कि गहरे रंग की चादर ओढ़कर सोने से डरावने सपने आते हैं, और हाँ रात में सोने से पहले जूते या चप्पल बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए, उससे भी बुरे सपने आते हैं, और अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो उसको ठीक करने का एक और उपाय है। पीयूष बौखलाहट के साथ अर्जुन से पूछता है, और वो क्या अर्जुन? अर्जुन पीयूष के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, रात में सोने से पहले एक कपड़े में छोटी इलायची बांधकर तकिए के नीचे रखने से भी बुरे सपने नहीं आते। बुरे सपनों से बचने के लिए हमें कभी भी नॉर्थ या वेस्ट की तरफ मुंह करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की तरफ सिर करके रखने से नेगेटिव एनर्जी हमारे मन को इफेक्ट करती है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? यार ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। पीयूष इस टोने टोटके की दुनिया में बहुत कुछ होता है, बस हमें पता नहीं होता, समझ गया? पीयूष अर्जुन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ भाई समझ गया। पीयूष और अर्जुन बातें करते करते नीचे पहुंच जाते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे और अजय एलेक्स गोंदिया के चिरायू अस्पताल के अंदर थे। एलेक्स हॉस्पिटल के अंदर चलते हुए अजय से पूछता है, सर हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आपकी तबीयत खराब है क्या? अजय एलेक्स के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मेरी नहीं एलेक्स, तुम्हारी तबीयत खराब है। एलेक्स हैरानी के साथ कहता है, क्या 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 सर आपने मेरी? हाँ एलेक्स तुम्हारी तबीयत खराब है। पर सर मुझे क्या हुआ है, मैं तो अच्छा खासा हूँ। एलेक्स अजय को अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, ये देखिए एकदम बढ़िया है मेरे हाथ पैर। एलेक्स तुम्हें नहीं पता, पर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर तो होती हैं पर हमें नहीं पता चल पाता कि वो क्या है। सर मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई बीमार है और मरीज को खुद ही नहीं पता कि वो बीमार है। सर मेरे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस सर घूमे जा रहा है। एलेक्स तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम बस मेरे साथ चुपचाप चलते रहो, समझे? और जो मैं बोलूं उसमें हाँ में हाँ मिलाते जाना, समझ गए? हाँ सर समझ गया, पर अगर पहले ही बता देते आप कि हमें क्या करना है तो वो बेहतर होता। एलेक्स
अभी मेरे पास तुम्हें कुछ भी समझाने का जरा भी वक्त नहीं है, समझे तुम? क्योंकि वो देखो, अजय अपने हाथ से सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है, हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने है। एलेक्स जब सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने प्रोफेसर प्रताप नारायण का केबिन था। वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि इंस्पेक्टर अजय उसे प्रोफेसर प्रताप नारायण के पास लेकर क्यों जा रहे हैं। इस तरफ तन्वी, रुद्र और अर्जुन एक ही कमरे के अंदर थे और दरवाजा अंदर से लगा हुआ था। अर्जुन हैरानी के साथ रुद्र और तन्वी से पूछता है, ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों मुझे सबके सामने नहीं बता सकते थे, और दरवाजा क्यों लगा कर रखा है? रुद्र अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, बात ही कुछ ऐसी है अर्जुन कि तुझे अकेले में बुलाना पड़ा और सबके सामने नहीं बता सकते थे। तन्वी रुद्र का साथ देते हुए कहती है, हाँ अर्जुन, हम भी नहीं चाहते कि ये बात हम तीनों के अलावा घर के किसी भी सदस्य को पता चले। तुम तो देख ही रहे हो ना कि घर के क्या हालात है, अगर ये बात पता चली तो पता नहीं घर में और कैसा माहौल हो जाएगा। अर्जुन हैरानी के साथ कहता है, पर तन्वी और रुद्र, तुम दोनों मुझे पहले बताओ कि हुआ क्या है। कहीं तुम स्वाति ने जो सुबह सपना देखा था उसके कारण तो इतना नहीं डर रहे हो? अगर उसी के कारण डर रहे हो तो मैं बता दूं, डरने की कोई बात नहीं है। चाची ने अच्छा नुस्खा अपनाया है, बुरा सपने ना देखने का। अब स्वाति को बुरे सपने नहीं दिखेंगे जब तक वो टोटका काम करेगा, उसके बाद का मैं नहीं बता सकता। रुद्र अर्जुन को समझाते हुए कहता है, हम लोग उस सपने के कारण नहीं डर रहे अर्जुन। अर्जुन बौखलाहट के साथ पूछता है, तो फिर किस चीज के कारण तुम दोनों इतना डर रहे हो? तन्वी धीरे से अर्जुन से कहती है, अर्जुन मुझे और रुद्र को लगता है कि किसी ने स्वाति के ऊपर काला जादू करने की कोशिश की है। अर्जुन हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? बस तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है, और कौन है जो स्वाति के ऊपर काला जादू करना चाहता है? तन्वी अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हमें ये तो नहीं पता कि स्वाति के ऊपर कौन काला जादू करना चाहता है, पर इतना जरूर पता है कि किसी ने तो जरूर कोशिश की है स्वाति पर काला जादू करने की। अर्जुन अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, तन्वी वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने स्वाति के ऊपर काला जादू करने की कोशिश की है। तन्वी और रुद्र अर्जुन को कल रात की सारी बात बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। पूरी बात सुनने के बाद अर्जुन रुद्र से पूछता है, क्या? अच्छा, तो तुम दोनों मुझे वो कपड़े दिखा सकते हो जो तुम्हें उस कुएं के अंदर से मिले थे? रुद्र अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मुझे पता था तू जरूर वो सामान देखना चाहेगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। इतना कहकर रुद्र अपनी जगह से उठता है और कमरे की अलमारी खोलता है, उसमें से लाल रंग की पोटली निकाल कर अर्जुन को लाकर दे देता है। जब अर्जुन उस पोटली को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर स्वाति के अंतः वस्त्र और उसके नाम का नींबू रखा हुआ था। अर्जुन उस सामान को घूर घूर कर देखने लग जाता है और थोड़ी देर बाद कहता है, किसी ने स्वाति के ऊपर वस्त्र वशीकरण किया है। रुद्र और तन्वी दोनों एक साथ हैरानी से कहते हैं, क्या? हाँ, वस्त्र वशीकरण। तन्वी आंखें फाड़ते हुए अर्जुन से पूछती है, ये वस्त्र वशीकरण क्या होता है? रुको यार, स्टोरी तो सुनिए, सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने, वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो।